आज हम ठंडी के सीजन के लिए एक यूनिक तरीके से बिना चीनी का आटे का हेल्दी हलवा बनाएंगे, जिसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे जो बहुत ही हेल्दी है। ठंडी के सीजन में एक हफ्ता बच्चों से लेके बड़ों तक और डिलीवरी के बाद जच्चा को खिलाने से शरीर में ताकत आएगी, हड्डियाँ मजबूत बनेगी, खून की कमी पूरी होगी और शरीर में नई शक्ति का संचार होगा। तो बनाना शुरू करते हैं बहुत ही हेल्दी आटे का हलवा। हलवा बनाने के लिए हमें कोई भी एक बाउल का माप सेट कर लेना है और उसी बाउल के माप से सारी चीजें मेजरमेंट करके लेनी है। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक बाउल गेहूं का आटा, एक बाउल बारीक कटा हुआ गुड़ और एक बाउल मेल्टेड घी लिया है। अब यही बाउल के माप से हम ढाई बाउल पानी लेंगे, 2.5 बाउल पानी सॉस पैन में डाल देंगे। दो बाउल मैंने डाल दिया और ये आधा बाउल। सॉस पैन को मैंने गैस पे रख दिया है, पानी को गर्म करेंगे। पानी गर्म हो गया है, इसमें एक बाउल गुड़ डाल देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे गुड़ को लगातार चला के मेल्ट करेंगे। गुड़ बहुत ही फायदाकारक है, गुड़ में आयरन भरपूर मात्रा में है। गुड़ खाने से खून बढ़ेगा, आंखों की रोशनी तेज होगी और कफ सर्दी में भी फायदाकारक है। बच्चों को गुड़ खिलाने से हड्डियां मजबूत बनेगी। गुड़ मेल्ट हो गया है, एक मिनट उबाल लेंगे, गैस ऑफ कर देंगे। हमें इसमें कोई भी तार नहीं करना है, सिर्फ गुड़ को ही मेल्ट करना है। गुड़ के पानी को हम छान के लेंगे, तो इसे मैं अभी छन्नी से छान लूंगी। इसे छान लेंगे, कढ़ाई में एक बाउल देसी घी डालेंगे, इसमें एक बाउल गेहूं का आटा डालेंगे। लगातार चला के लो टू मीडियम फ्लेम पे आटे को भूनेंगे। गेहूं में कैल्शियम, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट तत्व होते हैं, जिससे शरीर को पोषण मिलता है। इसलिए आटे का हलवा बहुत ही पौष्टिक होता है। बीमार व्यक्ति को आटे का हलवा एक हफ्ता खिलाएंगे तो शरीर में ताकत आएगी। आज हम आटे के हलवे में एक ऐसी सामग्री मिलाएंगे जो बहुत ही हेल्दी है, जिसमें कैल्शियम आयरन भरपूर है, वो है रागी का आटा, जो डाइजेशन पावर बढ़ाती है, खून की कमी को पूरा करती है और साथ में इसमें फाइबर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में है। लो मीडियम फ्लेम पे लगातार चला के आटा आधा भून जाए तब तक हमें इसे भूनना है। 6 से 7 मिनट के लिए मैंने इसे भून लिया है। अभी हम इसमें 2 टेबल स्पून स्प्राउटेड रागी का आटा डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे और गेहूं के आटे के साथ इसे लगातार चला के भुनेंगे। इसे बिल्कुल भी तेज आंच पे भुनना नहीं है, धीमी आंच पे ही हम इसे भुनेंगे। मैंने यहाँ पे रोटी का नॉर्मल आटा लिया है, इसके बदले में आप गेहूं का दरदरा आटा भी ले सकते हैं, उसी से भी ये हलवा बना सकते हैं। और गेहूं के आटे के साथ में आपको 1 टेबल स्पून सूजी डालना है तो वो भी आप डाल सकते हैं। लगातार चला के आटा गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक हमें इसे भूनना है। आटा भून जाएगा तो ये एकदम हल्का हो जाएगा और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आने लगेगी और घी भी सेपरेट होने लगेगा। आटा गोल्डन ब्राउन हो गया है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अभी जो हम इसमें चीज़ें डालने वाले हैं वो विटामिन और मिनरल से भरपूर है, इससे हमारी इम्यूनिटी एकदम स्ट्रांग बनेगी। 2 टेबल स्पून पिस्ता की स्लाइस, 2 टेबल स्पून बादाम की स्लाइस और 2 टेबल स्पून काजू लिया है, ये डाल देंगे। 15 बादाम की स्लाइस की है, 12 से 15 पिस्ता की स्लाइस की है। 1 टीस्पून गंठोड़ा पाउडर डालेंगे, पिपरी मूल पाउडर, अच्छे से चला लेंगे। गंठोड़ा पाउडर सर्दी में बहुत ही फायदाकारक है, इससे सर्दी कफ दूर होता है, अनिद्रा, घाव, जख्म, उल्टी वगैरह में ये बहुत ही इससे फायदा मिलता है। 1 टीस्पून सूंठ का पाउडर डालेंगे, ड्राई जिंजर पाउडर, अच्छे से चला लेंगे। सूंठ पाउडर वात पीत कफ का नाश करता है। सभी ड्राई फ्रूट और आटा एकदम अच्छे से भून गया है। गुड़ के पानी के ऊपर मैंने ढक्कन लगा के रखा था ताकि ये ठंडा नहीं हो जाए। ये गर्म पानी थोड़ा थोड़ा डालेंगे। गैस की फ्लेम चाहे तो आप बंद कर सकते हैं या एकदम धीमी रखना है। अभी मैं थोड़ी देर के लिए गैस की फ्लेम को बंद कर देती हूँ, अच्छे से चलाएंगे। थोड़ा थोड़ा डालते जाना है और इसे चलाना है। गैस चालू कर देंगे और ये गुड़ का पानी पूरा डाल देंगे।
धीमी आंच पे अच्छे से चला के इसे कुक करेंगे। ये हलवा बहुत ही हेल्दी है, डिलीवरी के बाद नई माता को खिलाने से तुरंत ही ताकत आती है। एक हफ्ता ये हलवा खिलाएंगे तो शरीर में तुरंत ही ताकत आएगी। एक टेबलस्पून खसखस डालेंगे, पॉपी सीड्स, एक टेबलस्पून मेल्टेड घी डालेंगे, अच्छे से चलाएंगे। अब धीमी आंच पे घी सेपरेट हो जाए तब तक इसे भुनेंगे। हलवा अच्छे से भुन गया है, गैस ऑफ कर देंगे। हलवा के ऊपर थोड़ा सा घी डालेंगे, बादाम पिस्ता की स्लाइस से गार्निश करेंगे, थोड़ी सी खसखस डालेंगे। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी हलवा बनके रेडी हो गया है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ।